और प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक की पत्नी के साथ दिखा शूटर शाइस्ता के साथ 5 लाख का इनामी शूटर दिखा है, शूटर अरमान के साथ दिखी शाइस्ता परवीन, साबिर के साथ भी दिखी थी माफिया की पत्नी। उमेश पाल हत्याकांड से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आ रही है। गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुफरान क्या कुछ पूरी जानकारी अपडेट क्या है? देखिए उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी है उनकी भूमिका को लेकर के शुरू से सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि वो इनामी है, 25,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम घोषित है, फरार चल रही है, लेकिन उनके साथ जो शूटर जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे उनके साथ जो तस्वीरें आ रही है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी का उमेश पाल हत्याकांड में किस तरीके की क्या भूमिका है। इससे पहले हमने देखा था कि माफिया अतीक अहमद का जो गुर्गा है साबिर, जो 5 लाख रुपए का शूटर है जो उमेश पाल हत्याकांड में भी दिखा था, राइफल लेकर के ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आई है वो अरमान के साथ आई है। अरमान यही है जो बाइक से पहुंचा था मौके पर, उमेश पाल को शूट कर रहा था, हेलमेट लगाया हुआ था, और उसके साथ जो वीडियो आया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और ये सनसनीखेज खुलासा जो है अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि माफिया अतीक अहमद के आसपास ही जो शूटर थे उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल थे, जिन लोगों ने उमेश पाल और दो सरकारी गनर को गोलियों से भून दिया था, उनके साथ जो तस्वीरें हैं शाइस्ता परवीन के हैं और उन्हीं के आसपास वो रहते थे। इससे शाइस्ता परवीन की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम में। और जिस तरीके से पिछले दिनों खुलासा किया था कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने ये कहा था कि शाइस्ता परवीन की भूमिका है, उनके घरों पर बैठकें होती रही हैं। बिल्कुल गुफरान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।